बनाने में नाकाम रहे, कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया है। इस चीज का हमें दुख है, ये भी वो कहते हुए नजर आए। सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रही है। कृषि कानून की वापसी के बाद आंदोलन का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं, ये भी कहते हुए वो नजर आए। किसानों से अपील की है कि वो अपने घरों को लौटें। रिपील करने के घोषणा के पश्चात मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें, बड़े मन का परिचय दें और प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उस घोषणा का आदर करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। जहां तक आंदोलन के दौरान केस रजिस्टर्ड का सवाल है, वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। राज्य सरकारें केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय करेगी। मुआवजे का सवाल भी राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य सरकारें अपने राज्य की नीति के अनुसार इस पर फैसला करेंगी। यहां पर हम ब्रेक नहीं लेंगे, दिखाएंगे आपको 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें। प्रस्तुतकर्ता बैलकोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। प्रायोजक नरिश, साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो, समझे बच्चू। रफान नूडल्स, फन टाइम हेल्दी टाइम। और एडवॉन, योर एनर्जी पार्टनर, भरोसा भारत का। कोरोना के नए वेरिएंट के बीच आला अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक, कोरोना और वैक्सीनेशन पर चर्चा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर सरकार, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 29 नवंबर को बुलाई हाई लेवल मीटिंग। लोकसभा में 29 नवंबर को कृषि कानून वापसी बिल पेश करेगी सरकार, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे बिल। गोंडा पहुंचे सीएम योगी, बलरामपुर चीनी मिल परिसर में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, देवीपाटन मंदिर में की मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना। जौनपुर में आज सीएम योगी और राजनाथ सिंह करेंगे बूथ अध्यक्षों से चुनाव पर चर्चा। वाराणसी में बीजेपी युवा मोर्चा का युवोत्थान कार्यक्रम, मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बहराइच में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने बड़ा बयान दिया, कहा 2022 में 2017 की पुनरावृत्ति करेंगे, मजबूत सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी ने जारी किया चुनावी गीत, यूपी में खेला हुए पे खदेड़ा हुए पे। मेरठ में सपा और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त मीटिंग, परिवर्तन संकल्प पर रैली को लेकर की जाएगी चर्चा। हरदोई में अखिलेश यादव और ओपी राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा की रैली आज, सलीय सिंह अर्कवंशी की 15वां मूर्ति स्थापना दिवस का कार्यक्रम। आगरा में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का आह्वान, बीजेपी को हराने के लिए एक मंच पर आए सभी राजनीतिक दल। महोबा में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद रहेंगे। प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, 2 पुलिस वाले निलंबित। जौनपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस चौकी को उड़ाया, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत। आज सिंधी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक, 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद कूच की रणनीति पर होगा मंथन। आगरा में एक बुजुर्ग ने करोड़ों की प्रॉपर्टी की आगरा डीएम के नाम, वसीहत की कॉपी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बागेश्वर और दिल्ली का दौरा आज, कानपुर मौसम में करेंगे शिरकत।
देहरादून में देवस्थाना बोर्ड भंग की मांग को लेकर आज प्रदर्शन करेंगे तीर्थ पुरोहित। हल्द्वानी में आज शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उत्तरकाशी में गुलदार के हमले में एक बच्चा हुआ घायल। गुलदार की वजह से इलाके में लोगों में दहशत।